Hi, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos, and today we will be continuing with our grammar portion, right? First we did our letters, then we did our composition, we did noun, and today we will be doing verbs, right? किसको पता है verbs क्या होते हैं? आपने verbs पढ़ा है इससे पहले? Verbs are action words, जो आप करते हैं. मतलब चलना, eating, running, jumping, जो भी physical activity आप कर सकते हो, that is verb. Verbs are doing words, ठीक है? Easily याद रहेगा, doing words. कुछ भी आप कर रहे हो, that is your verb. Verbs are words that tell us what a person, animal or thing is doing. एक person, animal or एक thing, कोई भी कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, that is verb. They are commonly called action words. ठीक है, इसी में समझ में आ गया ना, action words. कोई भी action हो रहा है, that is verb, right? We'll see the examples. Paint, eat, smell. आप paint कर रहे हो, कुछ action हो रहा है, right? That is verb. Eat, भूख लग रही है, खाना खाया, that is also action. That is also verb. Next, smell. Roses मिले, smell किया, that is also action, right? So that is also verb. Swing and run. Swing is झूला झूलना, action हो रहा है ना, and run भागना, that is also action. और क्या क्या हो सकता है? Dance, sing, run, write, और ऐसे बहुत सारी चीजें, jump, fall, आप अगर गिर गए कहीं पे, that is also action, right? Cook. आप कोई भी physical activity करोगे, that comes under verb. That is your action word. That is your verb. बहुत easy है ना? हमेशा याद रह सकता है? So, हमने last time nouns किए थे. Name, place, animal, thing. Noun जो भी करता है, that is verb. ठीक है? Now we start off with the exercises. Chota sa exercise. Can you underline the verbs? Verbs kya hai? Action words. Jo aap kar rahe ho. Woman. Woman matlab lady. Lady verb hua? Koi action hai usme? Nahi, right? So this is kiska example? Noun. Kaun sa noun? Common noun. Hai na? It's a common si cheez hai, general cheez hai. कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, सो दैट्स नॉट अ वर्ब. नेक्स्ट इज टॉक. मैं अभी क्या कर रही हूं? आपसे बातें कर रही हूं ना, सो दैट इज वर्ब. सो वी विल अंडरलाइन टॉक. पेज. पेज मतलब जिसपे से आप रीड करते हो, जिसपे आप राइट करते हो. इज दैट अ वर्ब? नो, दैट इज अ नाउन. इट इज अ थिंग, सो दैट्स अ नाउन. सो उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज टाइप. मैं अपना प्रोजेक्ट टाइप कर रही हूँ, सो दैट इज वर्ब. मैं कर रही हूँ ना कुछ, सो दैट इज वर्ब. वी विल अंडरलाइन टाइप. शैडो. शैडो मतलब परछाई. जब सन ऊपर होता है तो आपने देखा है ना, परछाई देखी है ना अपनी. सो इज दैट अ वर्ब? नो, दैट इज अ नाउन. मील, खाना. अगर आपके प्लेट में खाना रखा हुआ है, इज दैट अ वर्ब? नो. अगर आप खाना खा रहे हो, दैट्स अ वर्ब? यस. सो मील को भी अंडरलाइन नहीं करना है. पॉर. पॉर मतलब एक जग में से अगर आप पानी ग्लास में डालोगे, तो यू आर पॉरिंग वाटर. पॉर करना मतलब डालना लिक्विड चीज को. सो आप डाल रहे हो, दैट्स अ वर्ब. एक्शन हो रहा है ना वहां पे, सो दैट्स वर्ब. नेक्स्ट इज फ्लाई. फ्लाई क्या है? वर्ब है या नाउन है? फ्लाई मतलब उड़ना. कुछ हो रहा है ना, विंग्स हिल रही हैं, या फिर अगर आप प्लेन में जा रहे हो तो प्लेन भी उड़ रहा है. सो फ्लाई इज अ वर्ब.
नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर क्या है? कोई भी फ्लावर. वो वर्ब हुआ? नहीं. अगर मैं बोलूँ कि द फ्लावर इज स्विंगिंग इन द एयर, हवा चल रही है एंड फ्लावर ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो दैट विल बी वर्ब. सो यहाँ पे फ्लावर इज सिंपल अ फ्लावर, सो दैट इज नॉट वर्ब, इट इज अ नाउन. रीड, पढ़ना. आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो तो क्या कुछ वर्ब है? कुछ कर रहे हो, एक्शन हो रहा है, हो रहा है, राइट? आप रीड कर रहे हो, सो दैट इज वर्ब. स्मेल, कुछ कर रही हूं मैं, स्मेल करना इज समथिंग एक्शन, राइट? सो दैट इज वर्ब. पैरट, पैरट नहीं ना, पैरट नाउन है, पैरट नहीं हो सकता, सो वी कैन नॉट अंडरलाइन. नेक्स्ट इज कैरी. कैरी मतलब उठाना या फिर लेके चलना. अगर मैं अपना बैग कैरी करके जा रही हूँ, सो आई एम कैरिंग माई बैग. कैरी इज टू डू समथिंग, उठा के चलना. चलना जरूरी नहीं है, मम्मी बेबी को कैरी करती है, राइट? सो दैट इज एन एक्शन वर्ड. कैरी इज एक्शन. ईट, पहले क्या था? मील, मतलब खाना सामने रखा हुआ है, वो वर्ब था? नो, दैट वॉज नाउन. एंड आप खाना खा रहे हैं, सो इट्स एन एक्शन वर्ड, है ना? सो ईट, वी विल अंडरलाइन ईट. ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच. लालच क्या लगता है आपको? वर्ब है, कुछ करने वाली चीज़ है? नो, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउन का एक टाइप हमने देखा था ना, जिसमें फीलिंग्स है, सो दैट इज नॉट वर्ब, इट इज अ नाउन. सो वी विल अंडरलाइन इट? नो, वी वोंट अंडरलाइन. द लास्ट वन इज राइट. अगर मैम लिख रही हैं या आप लिख रहे हो, सो दैट इज वर्ब या कुछ और है? इट्स अ वर्ब, इट्स एन एक्शन वर्ड. आप कर रहे हो, है ना, आप लिख रहे हो, सो दैट इज एक्शन वर्ड. तो दैट इज ऑल्सो अंडरलाइंड. सो हमारे पास क्या क्या है? टॉक, टाइप, पॉर, फ्लाई, देन रीड, स्मेल, फिर क्या है? कैरी, फिर ईट, एंड द लास्ट वन इज राइट. सो टॉक, टाइप, पॉर, फ्लाई, रीड, स्मेल, कैरी, ईट एंड राइट, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स. मतलब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है? नाउन जब भी कुछ करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब. कोई भी चीज़ हो सकती है. अभी हम नाउन है, मतलब ह्यूमंस नाउन है. अगर ह्यूमन चल रहा है, वर्ब. ह्यूमन पढ़ रहा है, वर्ब. एनिमल, द टाइगर रोर्स. हमने टाइगर वाले चैप्टर में देखा था ना. सो अगर मैं लिखूं, द टाइगर रोर्ड इन द जंगल, सो यहां पे आप मुझे बता सकते हो क्या क्या यूज हो गया? दो चीजें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, एनिमल नाउन, एंड इस एनिमल ने क्या किया, इस नाउन ने क्या किया? रोर किया, सो दैट इज वर्ब, ठीक है? एक और एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग, ठीक है? द टीचर इज टीचिंग. यहां पे नाउन क्या है और वर्ब क्या है? नाउन इज टीचर, है ना? प्रोफेशन देखा था ना हमने, नेम प्लेस एनिमल थिंग में, नेम में हमने प्रोफेशन देखा था ना. सो टीचर इज अ नाउन,
एंड टीचिंग इज वर्ब. टीचर क्या कर रहा है? टीचर पढ़ा रहा है. सो कुछ कर रहा है ना. सो टीचर इज टीचिंग में टीचर इज नाउन, टीचिंग इज वर्ब. और क्या कर सकते हैं? The author is typing his new book. Author क्या है यहाँ? Profession, right? So author is a noun. Author क्या कर रहा है? The author is typing. So typing is our verb. क्या type कर रहा है? Book. It's a thing. So we have another noun. So in all, आपको समझ में आ गया? कोई भी name, place, animal, thing is a noun. And जो noun करता है, that is verb. ठीक है? What do we have next? Connect the noun with the verb. हमने अभी क्या देखा था? Name, place, animal, thing is a noun. And noun जो भी करता है, it is verb. है ना? So, now see, who is saying hi to you? कोई student है शायद, uniform पहना है. So, we have a girl. We have a girl. तो girl is our noun. She is our noun. कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन. हमारे पास नेम नहीं है ना. सो वी हैव अ कॉमन नाउन दैट इज गर्ल. नाउ आपके पास एग्जाम मैच क्या क्या करने के लिए है? रीड्स, क्रॉल्स, फ्लाइज एंड स्लीप्स. फोर वर्ब्स हैं. आपको पता करना है कि हमारा जो नाउन है इनमें से कौन कौन से काम करता है. इजी? लेट्स सी. द गर्ल रीड्स. गर्ल रीड कर सकती है? कर सकती है, राइट? सो द फर्स्ट वन वी विल मैच एंड आपका सेंटेंस होगा द गर्ल रीड्स. ठीक है, फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्रॉल्स. क्रॉल मतलब रेंगना. अगर ये गर्ल बेबी होती तो वी कुड से कि हाँ द बेबी इज क्रॉलिंग. बेबीज को देखा है ना, पूरा लोट लोट के चलते हैं. सो बेबी क्रॉल्स हम बोल सकते हैं. इतना बड़ा बच्चा क्रॉल करता है? नो, शी वॉक्स, राइट? सो हम क्रॉल्स को मैच नहीं करेंगे. फ्लाइज. द गर्ल फ्लाइज? नहीं. अगर यहाँ कोई बर्ड होती तो वी कुड से कि येस द बर्ड इज फ्लाइंग. तो फ्लाई को हम मैच नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज स्लीप. द गर्ल स्लीप्स. मैच हो सकता है? राइट, मैच हो सकता है ना. द गर्ल स्लीप्स. The girl sleeps. So we have two verbs for the girl. One is reads and next is sleep. ठीक है? Let's see the next one. कितना प्यारा सा है. कौन सा कार्टून है ये? जम्बो. देखा है? Okay. Now we have the noun. कौन सा noun? Animal. कौन सा एनिमल? एलिफेंट, राइट? सो द एलिफेंट गैलॉप्स. गैलॉप्स मतलब छलांग, थोड़ा आगे तक छलांग लगाना. मतलब जंप नहीं, आगे को. एलिफेंट करता है? यस. कहाँ करता है? सर्कस में, राइट? इज इट गुड टू हैव एनिमल्स इन द सर्कस? आपको क्या लगता है, एनिमल्स को लेके होना चाहिए सर्कस में? नहीं ना. सो द एलिफेंट, द एलिफेंट गैलोप्स. ओके, नेक्स्ट इज ट्रम्पेट्स. एलिफेंट का वॉइस को क्या बोलते पता है? ट्रम्पेट. तो ये भी हो सकता है. द एलिफेंट ट्रम्पेट्स.
नेक्स्ट द एलिफेंट ईट्स. एलिफेंट खाना खाता है? खाता है ना. सो द एलिफेंट ईट्स. लास्ट वन जंप्स. हाथी जंप करता है? नहीं करता. राइट. एलिफेंट डज नॉट जंप. सो हम इसको मैच नहीं कर सकते. सो वी हैव थ्री थिंग्स. क्या क्या है? द एलिफेंट गैलॉप्स, द एलिफेंट ट्रम्पेट्स एंड द एलिफेंट ईट्स. ठीक है. नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव अ बेबी. नाउ वी कैन से द बेबी क्रॉल्स, है ना. सो लेट्स सी. द बेबी स्माइल्स. बेबी इज नाउन. द बेबी स्माइल्स. बेबी स्माइल करते हैं? करते हैं. राइट. सो वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस. द बेबी स्माइल्स. मतलब वी कैन मैच इट. द बेबी रन्स. इतने छोटे बेबी भाग सकते हैं? देखा है आपने? नो. वो क्रॉल करते हैं, है ना. सो वी कैन नॉट मैच रन्स. द बेबी राइट्स. छोटा बेबी राइट करता है? आपने देखा है? नो. राइट. तो वी कैन नॉट मैच दैट ऑल्सो. लास्ट वन इज द बेबी ईट्स. खाना खाता है? यस. सो वी कैन मैच द बेबी ईट्स. द बेबी ईट्स. सो वी हैव जस्ट टू. द बेबी स्माइल्स एंड द बेबी ईट्स. सो वी हैव सीन वर्ब्स. राइट. वर्ब्स क्या क्या है? एक्शन वर्ड्स. नाउन नेम प्लेस एनिमल थिंग. ये लोग जो भी करते हैं, कोई भी एक्शन हो, दैट इज वर्ब. स्टैंडिंग, सिटिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, कुकिंग, वॉकिंग, जंपिंग, जितनी भी चीजें आप कर सकते हो, दोज आर वर्ब्स. सो वी हैव सीन नाउन्स एंड वी हैव सीन वर्ब्स. राइट. सो नेक्स्ट टाइम आपको कोई पूछेगा वर्ब क्या है तो आप बता सकते हो ना. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वी विल सी द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.